हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने रियल लाइफ में, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। और हमारी वीडियो का आगाज़ हो चुका है, वो लोग स्टार्ट हो चुका है, सुबह के 8 बज चुके हैं और बच्चों की छुट्टी है, तो इसीलिए थोड़ा नाश्ता वगैरह थोड़ा देर से ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ लड्डू। ये कुछ सामान बचा हुआ रखा था पहले से ही, जब मैंने एक बार आपसे शेयर भी किया था, मैंने लड्डू बनाए थे चने, जो भुने हुए चने होते हैं उनसे ही मैंने लड्डू बनाए थे, और उसी का ही बचा हुआ सामान है। उसे तो रखा हुआ था, सर्दी जाने लग रही है और मैंने सोचा कि इसका भी अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर बूरा ले लिया है मैंने, इसको छान कर रख लिया है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हमारे चने उबल रहे हैं, काले चने उबल रही हूँ नाश्ते के लिए। देखते हैं इनको फ्राई करेंगे कि कैसे खाएंगे। और पानी पी चुकी हूँ मैं, आज नींबू का पानी पिया था। और देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से मावा मैंने भून लिया है, इसमें भी सब चीज़ ऐड करके मैं बनाऊँगी। और ये तिल है, इसको मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही डालूंगी, क्योंकि तिल गर्म होते हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं, ज़्यादा तो नहीं, सुबह शाम की थोड़ी बहुत ठंड है, तो इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं लड्डू बना लूँगी। और सुबह का सभी काम हो चुका है, किचन की साफ सफाई सभी काम हो चुका है ऑलमोस्ट। और आज मुझे बनानी है छोला बिरयानी, तो उसी को भिगो रही हूँ मैं। तो ये 800 ग्राम छोले लिए हैं मैंने, और इसमें गर्म पानी डाले हैं, गर्म पानी से छोले अच्छे से फूल जाते हैं। तो शाम को बनानी है, और अब बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, तो इनको मैंने भिगो दिया है। और अब दोपहर का खाना बनाऊंगी, जो सुबह मैंने काले चने बॉईल करके नाश्ते में खाए थे उनको ही बनाना है। मैंने खाए थे, बच्चों ने पराठा और चाय ली थी, तो इसीलिए उनकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और शाम को बनाऊंगी छोला बिरयानी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। वहाँ जो लड्डू बनाए थे मैंने, वो ठंडा हो चुका है, लड्डू नहीं बने, इसमें थोड़ा घी की कमी रह गई है, घी नहीं डाला था मैंने, तो कोई बात नहीं, बच्चों को टेस्ट वही आ रहा था, लेकिन बस थोड़ी सी घी की कमी रह गई है इसमें, तो इसको मैं इसी तरीके से बच्चों को खाने के लिए दे दिया करूँगी दूध के साथ, बहुत अच्छा लगता है। ये इंग्रीडियंट सारे वही हैं, और थोड़ा सा गोला कसकर भी डाला था मैंने, देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, कसा हुआ गोला भी है, तो इसीलिए ये इसमें थोड़ा सा घी की ही कमी रह गई है, वरना टेस्ट बहुत अच्छा रहा था। तो इसको इस बाउल में भर कर रख लूँगी, ये स्टील का है, तो इसको भर कर रख दूँगी, तो बच्चों को जब भी लेना होगा इसी में से ले लिया करेंगे, तो वो इनको पसंद है मीठा, तो इसीलिए वो दूध के साथ खा लिया करेगा। और दोपहर का खाना बन रहा है, यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ जो सुबह ही काले चने उबाले थे नाश्ते में, तो थोड़े से बच गए थे, रात मैंने एक्स्ट्रा ही भिगोए थे। यहाँ पर आलू डाले हैं, मसाले में आलू भून रही हूँ, ये
ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, दानेदार मसाला हो गया है। और आलू मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को आलू पसंद है। चने अगर मैं खाली बनाती हूँ उनको अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े से इसलिए मैं आलू भी ऐड कर देती हूँ और इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी आती बनती है। यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी आपको, अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं तो इस तरीके से थोड़े चने बचा लीजिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये मैंने थोड़े चने बचा लिए हैं, इन्हें मैं मिक्सी में को ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लूँगी और फिर जो मैंने आलू भूना है मसाले में तो उसमें ही ऐड करूँगी। यहाँ पर आप पानी इतना डालिए जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए क्योंकि चने पकने के बाद ठंडे होने के बाद ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। और देखिए थोड़ा सा पानी और डालना है मुझे क्योंकि अभी आलू अच्छे से नहीं पके हैं, थोड़े कच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी डालूँगी। यहाँ पर ढक दिया है मैंने और देखिए बस इतना डालूँगी जिससे कि चावल नहीं बना रही हूँ, रोटी बनाऊँगी जिससे रोटी से अच्छे तरीके से ग्रेवी खाई जाए। और आटा सुबह ही गूंद कर रख दिया था मिसबा ने अपने लिए पराठे बनाए थे और मोइन ने भी पराठे खाए थे। सिर्फ नाश्ते में मैंने ही उबले हुए चने खाए थे, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है चने, तो इसीलिए मिसबा ने एक्स्ट्रा आटा गूंद कर रख दिया था। और देखिए हमारी सब्जी भी बनकर तैयार है, इसमें चना मसाला ऐड कर देना है और हरे धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है। और देखिए थोड़ा सा इसमें चना मसाला डालने के बाद टेस्ट और बढ़ जाता है और अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, खाने में बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी। मुझे बनाने हैं शाम को चावल, इसीलिए मैं दोपहर में रोटी बना रही हूँ क्योंकि दो टाइम हम चावल नहीं खाते। और यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद अब पढ़ रही थी सूरह यासीन, पढ़ने के बाद मुझे बच्चों के लिए चावल बनाने हैं। मैंने बताया था आपको कि छोला बिरयानी बनानी है तो उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। आग बहुत मुश्किल से जली है जब, और देखिए ये तेल ताज़ी सरसों का है इसीलिए थोड़ा सा कलर चेंज दिख रहा होगा, रिफाइंड में नहीं बना रही हूँ, सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। चना बिरयानी बहुत ही मस्त लगती है और सभी सामान मैंने डाल लिया है, तो रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। बच्चे भी आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहीं से आते हैं, आस पड़ोस से ही बच्चे आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि थोड़ा कैमरे के सामने एक एक चीज़ बताना में टाइम लग जाता है। और ये दही मैंने दोपहर में खाना बनाने से पहले ही जमाई थी, अच्छी तरीके से जम गई है, वो भी ऐड करी है। और देखिए माशाल्लाह बच्चे भी सभी आ गए हैं और सभी खा रहे हैं खाना। अब्दुलसमद लेकर आया था, सबको कहकर आया था कि हमारे घर आओ खाना खाने के लिए, और खुद नहीं बैठा, ना ही बैठा और ना ही खिला रहा है, खुद अंदर बैठ गया, बहुत शर्मीला है। और जो भी मुझसे रिकॉर्ड किया गया, जो भी शूट हुआ मैंने वही शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।